नमस्कार बच्चों, आज हम राग गौड़ मल्हार सीखेंगे। राग गौड़ मल्हार बहुत ही मीठा राग है, वर्षा ऋतु का राग है। इसके बारे में कहा गया है राग चंद्रिका सार पुस्तक में, मृदु मध्यम तीखे सब संपूर्ण विस्तार, अल्प निकाद दिखाए के गावत गौड़ मल्हार। गौड़ मल्हार राग, इसके बारे में दो मत प्रसिद्ध हैं। एक मत के अनुसार यह काफी थाट का राग है, तो दूसरे मतानुसार यह खमाज थाट का राग है। इस राग में दोनों निषाद का प्रयोग सर्वमान्य है, अतः मतभेद केवल गंधार स्वर के संबंध में ही रह जाता है। क्योंकि निषाद की बात करें तो चाहे खमाज हो या काफी हो, दोनों में ही निषाद कोमल लगता है। और गंधार की बात करें तो खमाज में गंधार शुद्ध और काफी में कोमल लगता है। किंतु गौड़ मल्हार के दोनों ही प्रकार प्रचार में मिलते हैं। और सच है बच्चों कि दोनों ही प्रकार अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, अपनी रंजकता रखते हैं। अतः दोनों को स्वीकार करने में कोई भी हर्ज नहीं होता। एक तरफ ख्याल गायक अपने गीतों में तीव्र गंधार का प्रयोग करते हैं और ध्रुपद गायक कोमल गंधार उपयोग में लाते हैं और गौड़ मल्हार गाते बजाते हैं। तभी कभी कभी दोनों गंधार लेने वाले ध्रुपद भी हमें दिखाई दे जाते हैं। तीव्र गंधार का प्रयोग होता है उससे मियां मल्हार और मेघ मल्हार, उनमें तीव्र गंधार के प्रयोग से वो सहज ही अलग हो जाते हैं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर मध्यम है और संवादी षड्ज है। इसके आरोह में निषाद का अल्पत्व होता है। आरोह जब हम लेते हैं तो रेमा रेपा मापा ध सा इस तरह से ले लेते हैं, धनी सा नहीं लगाते हैं। और अवरोह में हम सा ध नी प इस तरह से लेते हैं। यह राग मौसमी राग है, क्योंकि इस राग में गाए जाने वाले गीतों में प्रायः वर्षा ऋतु का वर्णन होता है। रे प म प ध सा ध प म, म पर न्यास, क्योंकि म इसका वादी स्वर भी है, म पर न्यास होता है। रे ग रे म ग रे सा, ये स्वर विन्यास इस राग में बार बार सुनाई देता है और अलग ही राग को पहचान देता है। आइए इसका आरोह अवरोह गाते हैं। आप लोग साथ में गाइए, सा रे ग रे मा ग रे सा रे पा मा पा रा सा। पकड़ रे ग रे मा ग रे सा पा म प द सा ध प म। आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी सरगम और छोटे ख्याल सिखाऊंगी। धन्यवाद।